सम ऑफ द टू वेक्टर, देखो दो वेक्टर हम लोग के पास, उनका सम डिफरेंस के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, मतलब वेक्टर ए, दो वेक्टर है हम लोग के पास, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा होगा कुछ, तो इनका सम ए प्लस बी का सम, ठीक है, का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के, इनका जो सम है वो डिफरेंस के इक्वल है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिफरेंस, मैग्नीट्यूड में इक्वल है भाई, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा निकालना है। तो अब आपको पता होगा, रिजल्टेंट वाला फार्मूला पढ़े होगे कि आर जो होता है, आर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये क्या होता है भैया, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट का सम होता है, ठीक है, तो ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इधर जाएगा, इधर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, जिसको वेक्टर नहीं आता है उसको फिजिक्स में समझ लो, उसको बहुत बड़ी आगे एक ऐसी बीमारी हो जाएगी जो जो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, किसको, जिसको वेक्टर आता है, ठीक है, वेक्टोरियल नाम की बीमारी हो जाती है उसको, मेरे हिसाब से वेक्टर आपको आना ही चाहिए, वेक्टर इज द बॉस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, मैं उसको अपना बॉस बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई, फिजिक्स में काम कैसे करोगे, स्केलर में करोगे और वेक्टर में करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है जहाँ वेक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो, ठीक है, तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग कंसेप्चुअली मैथमेटिकली द वेक्टर, ठीक है, इसलिए पहले मैथमेटिकल टूल में वेक्टर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बेस है वो वेक्टर पे बना यार, तो यू शुड बी वेरी स्ट्रांग इन वेक्टर, तो ये और ये और ये और ये, ठीक है, तो इधर बचा 4ab cos थीटा और इधर गया भैया 0, तो अब क्या cos थीटा 0 हो गया, ऑब्वियसली 0 हो गया, क्योंकि 4ab 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0, cos थीटा 0 तभी होगा जब cos थीटा की वैल्यू 90 होगी, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 है, ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल बोले तो परपेंडिकुलर है, ए और बी के, ए और बी आपस में एक दूसरे से थीटा 90 डिग्री पर हैं, ठीक है, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे, ठीक?